की वैक्सीन वितरण और कोरोना स्थिति नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार समस्त राज्यर मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे आलोचना करिपारंती। बढ़ुची कोरोना काया डिसेंबर स्थिति आहुरी संगीन होई पारे कोन निया जायछि पदक्षेप। दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र आसाम को कोविड स्टेटस रिपोर्ट मागिछंती सुप्रीमकोर्ट। विशेषकर दिल्ली में कोरोना स्थिति नहीं सुप्रीमकोर्ट उद्वेग प्रकाश करछंती। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में अवपातर रूप नेला लघुचाप आगामी 24 घंटे घनीभूत हुई सामुद्रिक झड़ बात्यार रूप नेबार दक्षिण दक्षिण पूर्व पुडुचेरी 600 किलोमीटर और दक्षिण दक्षिण पूर्व चेन्नई 630 किलोमीटर दूर में अच्छी। अंडा बदल में क्षीर एणिकी मध्यप्रदेश में स्कूल पिलांको मध्याह्न भोजन में अंडा बदल में क्षीर मिलिबो बोली घोषणा करछंती मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। गोशालागुड़िकु आत्मनिर्भरशील करने को एभली पदक्षेप निया। कॉमेडियन दंपति भारती सिंह और स्वामी हर्ष लांबीचिया को मिला जमीन। भारती को घर 86 ग्राम गंजे जबत करथिला एनसीबी। उभयों को नार्को ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस एक्ट रे गिरफ्त करा जैतला। मुंबई रे ड्रग्स पेडलर को धरिबा को जायतबा बेले एनसीबी अधिकारी को ऊपर किछि दुर्वृत्त आक्रमण करथिले। एथिरे 2 जण गुरुतर आहत होइछन्ती। ए घटना रे 3 जण को गिरफ्त करा जैछि। अभियुक्तों को 14 दिनिया विचार विभागीय हाजत को पठा जैछि। पूर्वतन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बयान पर प्रतिक्रिया रखिंट शिवसेना वरिष्ठ नेता संजय रावत। से कहते प्रथमे पीओके को भारत में मिसाओ पर कराची कथा भाविबा कराची दिने भारत अंश होबो बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस। गिरी रेल स्टेशन 6.3 केजी सुना जबत जार आनुमानिक मूल्य 3.26 कोटी टंका। अभियुक्तों को 14 दिनिया विचार विभाग को हाजत को पठा दिया। आज साउथ सुपरस्टार नाग चैतन्य जन्मदिन 34 वर्ष में पाद थापी से जन्मदिन उपलक्षे फिल्म लव स्टोरी नुआ पोस्टर रिलीज होइछि। नमस्कार कलिंग खबर को स्वागत करुछि मु एलिना। प्रथम देखि नेबा हेडलाइंस। दिस हेडलाइन ब्रॉट टू यू बाय लालचंद ज्वेलर्स। रूपरे जेमती गोडा रे भी सेमती। अवपातर रूप नेला निबार 24 घंटा रे अधिक घनीभूत होई नेबो बात्यार रूप। बुधवार तमिलनाडु पुडुचेरी उपकूल दे करिबो अतिक्रम। ओडिसा को नाही विपद। कोरोना लड़ई भितर आस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड टीका नहीं आसिला खुशी खबर। दुईटी डोज पर 70% फलप्रद। द्वितीय डोज्रे 131 जनों ठारे होइथिला प्रयोग। कोरोना स्टेटस रिपोर्ट मागिले सुप्रीमकोर्ट। दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र आसाम सरकार को 2 दिन रे रिपोर्ट तलब। एबेठू प्रस्तुत नहले डिसेंबर रे स्थिति बिगिड़ब। खोर्धा सारुआ जमी हड़प घटना जनवरी 8 पर्यंत ओडिशा इंफ्राटेक्र निर्देशक निहार भुया अंतरीण सुरक्षा। तदंतकारी अधिकारी को सहयोग करने को निर्देश। हाइकोर्ट रे स्कूल फी ह्रास मामला शुणाणी। केते प्रतिशत स्कूल फी ह्रास हेबो प्रश्न कले हाइकोर्ट। स्कूल और गणशिक्षा विभाग सत्यपाठ दाखल। डिसेंबर 2 रे परवर्ती शुणाणी। पंचभूत में लीन हेले राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल धर्मपत्नी सुशीला देवी। पूरी स्वर्गद्वार में राष्ट्रीय मर्यादा सह शेषकृत्य। विधानसभा आगत होता शोक प्रस्ताव। संपूर्ण खबर को आसिबा। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में अवपातर रूप नेला लघुचाप आगामी 24 घंटे आहुरी घनीभूत होई सामुद्रिक झड़ बात्यार रूप नेब। बंगोपसागर में झड़ निवार दक्षिण दक्षिण पूर्व पुडुचेरी 600 किलोमीटर और दक्षिण दक्षिण पूर्व चेन्नई 630 किलोमीटर दूर में रही। साइक्लोनिक स्टॉर्म रूप नेबा परे उत्तर पूर्व दिगरे गति करिबो। यह तमिलनाडु पुडुचेरी उपकूल रे कराईकाल और मारनालापुरम मध्य 25 तारीख मध्याह्न किंवा अपराह्न सुद्धा अतिक्रम करिपारे। ओडिशा रे झड़र विपद नाही हेले 25 रु 26 तारीख रे दक्षिण ओडिशा रे वर्षा संभावना रही। 25 रे कोरापुट रायगड़ा और गजपति जारी होइछि येलो वार्निंग। नवेम्बर 26 लगे कोरापुट रायगड़ा गजपति कंधमाल नवरंगपुर कलाहांडी और मालकानगिर जिला येलो वार्निंग रही। सेपरि अरब सागर झड़ गति केप हाफुन निकट सोमालिया उपकूल में लैंडफॉल करिछि। स्थलभाग अतिक्रम करबा समय वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रूप नहीं सारिथिला शक्तिशाली झड़ गति। दक्षिण पश्चिम अरब सागर में वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म गति दुर्बल होई साइक्लोनिक स्टॉर्म रे परिणत होई पश्चिम दिगरे गति करुछि। गत 6 घंटा हेबो 9 किलोमीटर बेगरे जाउछि। भारत महासागर, चेन्नई और पुडुचेरी उपकूल रे हाई अलर्ट जारी करा जायछि। एक लो प्रेशर एरिया 21 तारीख को साउथ बंगाल में जो बना था वो धीरे धीरे 22 तारीख सुबह एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में परिणत हो गया और आज सुबह अर्ली आवर्स में ये एक डिप्रेशन के रूप में साउथ वेस्ट बंगाल पे केंद्रीभूत था और अभी ये 9.5 डिग्री नॉर्थ और 84.2 डिग्री ईस्ट के पास केंद्रीभूत है और पुडुचेरी से आसपास 550 किलोमीटर साउथ ईस्ट दिशा में केंद्रीभूत है। इसका इंटेंसिटी अभी डिप्रेशन है और इसका विंड स्पीड जो है 45 to 55 km/h, वेस्टिंग 65 km/h है और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में गति कर रहा है। इसके प्रभाव में अभी क्लाउड मास नॉर्थ श्रीलंका और तमिलनाडु कोस्ट के आसपास आ रहे हैं और आज इसका इम्पैक्ट में बारिश कोस्टल तमिलनाडु में शुरू होने का उम्मीद किया जा रहा है। आप इसका ट्रैक देखेंगे, जो ब्लैक लाइन है वो पास्ट ट्रैक है। आज ये नॉर्थ वेस्ट दिशा में अभी तक गति किया है, लगभग 25 km/h स्पीड में गति कर रहा है और हमारी उम्मीद है कि ये धीरे धीरे जैसे रेड लाइन दिखाई दे रहा है उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके 25 तारीख को तमिलनाडु कोस्ट को कराईकल और महाबलीपुरम के बीच पार करेगा और ये सीवियर साइक्लोस्टॉर्म जैसे तट को पार करेगा 25 तारीख आफ्टरनून में। ये आपका जो विंड स्पीड इसके साथ है ये धीरे धीरे बढ़ेगा और कल सुबह तक एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत होगा और इसके बाद 25 तारीख को एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हुए इसका विंड स्पीड मैक्सिमम 100 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद हम कर रहे हैं और जब तट को पार करेगा वही स्पीड रहेगा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ग्रीन एरिया, वो एरिया है जहां आपका विंड स्पीड 100 किलोमीटर से ज़्यादा होने का अनुमान कर रहे हैं और इसका ज़्यादा विंड का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि नॉर्थ तमिलनाडु और इसका जो आसपास एरिया जो कोस्टल आंध्र प्रदेश का है और साउथ कोस्टल तमिलनाडु का जो आसपास एरिया है उसमें होगा। तो ज़्यादा विंड कराईकल से लेकर महाबलीपुरम का जो एरिया है वहीं ज़्यादा विंड होने का उम्मीद किया जा रहा है। और आप हेवी रेनफॉल का बात करें, इसके प्रभाव में आज से बारिश शुरू होगा कोस्टल तमिलनाडु में, मगर 24 तारीख और 25 तारीख को ज़्यादा बारिश होगा तमिलनाडु में। 25 तारीख से सबसे ज़्यादा बारिश होगा। हम 24 और 25 तारीख को तमिलनाडु में एक्सट्रीमली हेवी रेन को उम्मीद कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो पुडुचेरी एरिया है वहाँ भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है और साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश जैसे कि नेल्लोर, रायलसीमा का चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, ये एरिया में भी हम आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल 25 तारीख को और 26 तारीख को हम उम्मीद कर सकते हैं। रायलसीमा और तेलंगाना एरिया में भी 26 और 27 तारीख की बारिश हो सकती है। 26 तारीख तेलंगाना और रायलसीमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेनफॉल के हिसाब से और 25 तारीख तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेनफॉल के हिसाब से, जैसे कि हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का उम्मीद कर रहे हैं और आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल ऑफ साउथ छत्तीसगढ़ और साउथ उड़ीसा में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा कलर कोडेड वार्निंग है। इसके हिसाब से 25 तारीख को हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए, जब हम एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी आपको एक्शन लेना है, जनरल पब्लिक को या स्टूडेंट्स को सभी को एक्शन लेना है रेड कलर के लिए। ऑरेंज कलर वार्निंग जो है वो बी प्रिपेयर रहना चाहिए और ये सब वार्निंग हम स्पेशली तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना के लिए हम दे रहे हैं विशेष करके। और साइक्लोन के साथ टाइडल वेव भी आता है और ये साइक्लोन के साथ हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 1 मीटर हाइट का टाइडल वेव एस्ट्रोनॉमिकल टाइड के ऊपर आ सकती है और जब ये टाइडल वेव आता है यूजुअली जो साइक्लोन जहां पास करता है इसका राइट साइड पर ज्यादा टाइडल वेव आता है, इसलिए टाइडल वेव हम पुडुचेरी से शुरू करके नॉर्थ को जो एरिया रहा कांचीपुरम तक वहाँ हम टाइडल वेव एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये टाइडल वेव का मैक्सिमम हाइट होगा 1 मीटर एबव एस्ट्रोनॉमिकल टाइड। अब स्टेट ऑफ सी आप देखेंगे, जैसे आप ये साइक्लोन आ रहे हैं, आज स्टेट ऑफ सी रफ टू वेरी रफ है, कल वेरी रफ टू हाई हो जाएगा और 25 तारीख को ये हाई टू वेरी हाई सी कंडीशन होगा साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के लिए। इसलिए आज से नेक्स्ट 3 दिन 23, 24, 25 ये 3 दिन साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और इसका जो एडजॉइनिंग एरिया वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पूरा डेंजरस एरिया है, वहाँ वेव हाइट बहुत ज़्यादा है और ये शिप्स के लिए और बोट्स के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम लगातार ये वार्निंग दे रहे हैं कि फिशरमैन आज से शुरू करके 25 तारीख तक सी के अंदर नहीं जाना चाहिए। जो लोग इस एरिया में है, ये सी एरिया में, वो ये एरिया को अवॉइड करें और कोस्ट को वापस आ जाए। आपको यही अनुरोध करेंगे कि जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लगातार जो इसको वॉच कर रहे हैं और बुलेटिन इश्यू कर रहे हैं, इसके ऊपर आप नजर रखिए। कोरोना लड़ाई भितर टीका नहीं आशा भरिला आस्ट्राजेनेका। आस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड टीका 70% फलप्रद। 130 जन टीका प्रयोग करा दुईटी डोज उपर टीका ट्रायल होता। टीकार प्रथम डोज्रे 90% फलप्रद होती। मासक पर दिया द्वितीय डोज 62% फलप्रद होता। मृत डोज्रे 70% फलप्रद होता आस्ट्राजेनेका पक्षर कहुई। टीका ग्रहणकारी केही गुरुतर असुस्थ व डाक्तखाना भर्ती होई नथिले। आस्ट्राजेनेका सह मिसी भारत में ऑक्सफोर्ड टीकार विकसित करुछि सेरम इंस्टिट्यूट। या पूर्व अमेरिकार टीका फाइजर 95% और मॉडर्ना 94% फलप्रद होता कंपनी दाबी करथिले। देश में काया विस्तार करुछि कोरोना। विभिन्न राज्य में संक्रमितों संख्या बढ़ुछि। डिसेंबर में स्थिति आहुरी संगीन हो पारे। कौन नियाजाइछि पदक्षेप? 4 राज्य दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम को कोविड स्टेटस रिपोर्ट मांगिछन्ती सुप्रीमकोर्ट। विशेषकर दिल्ली में कोरोना स्थिति नहीं सुप्रीमकोर्ट उद्वेग प्रकाश करिछन्ती। एबे कौन रहिछि कोरोनार स्थिति? मुकाबला पई की पदक्षेप ग्रहण करिछन्ती? आगकू कौन प्रतिषेधक मूलक पदक्षेप ग्रहण करेंगे? ए संपर्क में पुंखानुपुंख रिपोर्ट तलब करिछन्ती सर्वोच्च अदालत। 2 दिन भितर सत्यपाठ जरिया रिपोर्ट देवाक निर्देश रही। सबू राज्य सरकार कोरोनार स्टेटस रिपोर्ट दाखल करने को कही सुप्रीमकोर्ट। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमपी शाहर 3 जणिया खंडपीठ कोरोना संक्रमण को रोकने को दिल्ली और गुजरात सरकार कौन आखिदृश्या पदक्षेप नहीं कहते। शुक्रवार मामलार परवर्ती शुणाणी रही। आपण देखते कलिंग खबर। एवं समय गोटे छोट ब्रेक ब्रेक पर भी जारी रहा खबर। रेगुलर ट्रेनिंग जदि करिबु तू ही चैंपियन हेबु। से सब दिन रे ट्रेनिंग केमिति करिबी? नोआ कम्फी स्नग फिट सैनिटरी नैपकिन अन्य नैपकिन तुलना रे 80% अधिक शोषी थाए। बड़ो विंग्स लीकेज को रोकी थाए। कम्फी स्नग फिट द पावर टू बी यू मात्र 22 टंका रे। अरे टेंशन नहीं धोनी भाई, संभाली की ओहो धोनी भाई मु ठीक अछि। अरे तू नुहे मो फ्लोर फ्लोर भी ठीक अछि। इंडिगो फ्लोर पेंट सब किछि सहे वर्ष वर्ष चले। इंडिगो झकास पियो एवरग्रीन और रहो एवरग्रीन मेरी तरह। ब्रेक पर स्वागत। सारुआरे दलितों जमी हड़प घटन में आज हाइकोर्ट रे ओडिशा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड अन्यतम निर्देशक निहार रंजन भूया आवेदन शुणाणी होइछि। जनवरी 8 पर्यंत निहार भूयांक अंतरीण सुरक्षा बलवत्तर रखा कोर्ट। जनवरी 8 रे मामलार परवर्ती शुणाणी होब। तदंतरे तदंतकारी अधिकारी निहार भूया सहयोग करने को कोर्ट निर्देश देछन्ती। हाइकोर्ट आज पर्यंत निहार भूयांक अंतरीण सुरक्षा प्रदान करथिले। गत 20 तारीख रे अन्य एक आवेदन राय प्रकाश करी जगी मंगत पंडा और बैजयंत पंडा आवेदन को अग्राह्य करथिले कोर्ट। उभय अंतरीण सुरक्षा को प्रत्याहार करि नैथिले हाइकोर्ट। तदंतर वर्तमान स्थिति रे मामलार हस्तक्षेप करने को हाइकोर्ट मना कर देथिले। ओडिशा इंफ्राटेक पक्षर पूर्वतन निर्देशक मनोरंजन षडंगी मूल मामला दायर करथिबा बेले मामला को प्रत्याहार करने को हाइकोर्ट रे से आवेदन करथिले। क्राइम ब्रांच ईओडब्ल्यू एही मामलार तदंत करछि। तांका प्रेयर थिला कि पर्सिंग ऑफ एफआईआर करिया पे, बट जेहेतु आगु इंटरिम प्रोटेक्शन थिला तो फाइनल हियरिंग पे हाईकोर्ट रखिले नेक्स्ट डेट है 8-1 को। आई भितर तांका इंटरिम प्रोटेक्शन कंटिन्यू है। मतलब डायरेक्शन के जे हाँ जी इनक्वायरी करछन तांका संगे इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करिवे। राज्य में केते प्रतिशत कमिबो स्कूल फी एने राज्य सरकार को ठरो स्पष्टीकरण मागिछन्ती हाईकोर्ट। स्कूल फी केते ह्रास करिपारिबे जणाइबाकू निर्देश दिया जाइछि। स्कूल फी ह्रास मामलार शुणाणी बेले कोर्ट एही निर्देश दैछन्ती। राजस्थान रे स्कूल फी 40% ह्रास होइथिबा अदालत को अवगत कराइछन्ती राज्य सरकार। स्कूल और गणशिक्षा विभाग पक्षर सत्यपाठ दाखल होइछि। शिक्षा विभाग करिथिबा एमओयू मध्ये दाखल होइछि। डिसेंबर 2 रे मामलार परवर्ती शुणाणी हेब। गत अक्टोबर 19 रे एने शुणाणी करी फी ह्रास संपर्क रे गणशिक्षा विभाग आभिमुख्य स्पष्ट करने को निर्देश देथिले हाइकोर्ट। 7टी स्लाब रे फी ह्रास करने को सरकार हाइकोर्ट रे प्रस्ताव रखिथिले। गत सेप्टेम्बर 1 रे यह मामलार शुणाणी बेले हाइकोर्ट यार आपोष समाधान करने को निर्देश देते। पंचभूत लीन हेले धर्मपरायण महिला सुशीला देवी पुरी स्वर्गद्वार राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल धर्मपत्नी शेषकृत्य राष्ट्रीय मर्यादा सह शेषकृत्य संपन्न होछि। पार्थिव शरीर स्वर्गद्वार पहुंचवा परे बहु विशिष्ट व्यक्ति पुष्पमाल्य अर्पण करी शेष दर्शन करथिले। पुओ मनीष सिंघला मुखाग्नि देथिले। बहु मंत्री और विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित थिले। राज्यपाल धर्मपत्नी सुशीला देवींकर गतकाली राति भुवनेश्वर एक घर हॉस्पिटल रे देहांत होछि। सकाळे तांका मर शरीर को राजभवन निया जायथिला। सेठारे विभिन्न दलर राजनैतिक नेता और मंत्री शेष दर्शन करथिले। यहाँ पर तांका पार्थिव शरीर को पूरी निया जायथिला। सुशीला देवी डिसेम्बर 6, 1946 हरियाणा रे जन्मग्रहण करथिले। तांका बापांक ना नानुराम गोयल और मांक ना चांद देवी। 1 जुलाई 1964 से प्रोफेसर गणेशीलाल को विवाह करथिले। तांकर 4 जण झियो और 3 जण पुओ अछंती। से जने धर्मपरायण महिला थिले। राज्यपालंक विभिन्न काम रे तांकु देखिबाकु मिलुथिला। ओडिसार राज्यपाल हिसाब रे तांकर से जो निष्पत्ति नैछंती जे मो धर्मपत्नीकर शेष कार्य स्वर्गद्वार रे करा जीव, ये मध्य तांकर गोटे ओडिशा प्रति तांकर जो आवेग एवं जगन्नाथ संस्कृति स्वर्गद्वार प्रति तांकर जो ममता ये आ गोटे प्रमाणित हो। धर्मपत्नीकर देहांत होती बहुत दुखद घटना। आज भाई पवित्र दिवस रे आम तांकर आत्मार सद्गति निमंते प्रभु पाखे प्रार्थना करूँ। परिवार पाखे निहाती पक्षे विपद बड़ी ठिया हवा ये आम कर्तव्य अच्छी पूरीवासी हिसाब से। धर्मपण महिला आज आश्चर्यजनक भाव में आज जानते आज पवित्र अँला नवमी राधापद दर्शन जो राधा भावर राधा चेतनार राधा संस्कृतिर राधा ऐतिह्य राधा परंपरार से गोटे निरा मनीष जी आज ये पवित्र दिन में देहवसान होती। मुझे बहुत मर्माहित एवं महाप्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना कर आत्मार सद्गति पाई से बहुत अमायिक थिले। ओडिशा प्रति तांकर बहुत दरद थिला। तेणु आज मु भारी दुखित एवं से आज तांकर ए कार्यक्रम रे शामिल करिया पई आमे सरकार पक्षर आछू। तांकर वियोग रे निश्चित भाव जड़े ओडिशा निश्चित भाव जड़े धर्मपणा महिला एवं जड़े दरदी व्यक्तित्व हरेले प्रभु जगन्नाथ निकट प्रार्थना करूँ। ट्रैफिक पोस्ट अपसारण निष्पत्ति को विरोध। सालेपुर कुआपाड़ा रोड रे ट्रैफिक पोस्ट अपसारण निष्पत्ति को विरोध करिछि सालेपुर सहरांचल विकास परिषद। दीर्घ दिन धरि रही आसिथिबा ट्रैफिक पोस्ट को हठात हटाई दिया जायछि। फल प्रतिदिन ट्रैफिक समस्या उपजुछि। रास्ता काड़े गाड़ी रहुथिबारु असुविधा भोगुछंती व्यवसायी। ट्रैफिक समस्यार समाधान करबाकू दाबी होछि, नचेत आगामी दिन में आंदोलन कराजिबो बोली सहरांचल विकास परिषद पक्षरु कुहा जायछि। पूर्वर प्रशासन आगु अनुभव करथले सालेपुर जो ट्रैफिक समस्या अछि ताकू विचार करी से सालेपुर ट्रैफिक पुलिस अपॉइंटमेंट करथले। ट्रैफिक पुलिस सालेपुर ड्यूटी करी ट्रैफिक समस्या को नियंत्रण करथला, किंतु वर्तमान रो प्रशासन अधिकारी माने ए कथा को विचार न करी सालेपुर समस्या विचार न करी ट्रैफिक पुलिस की उड्र करछथि। तेणु आज दिन में सालेपुर पुणी पुनर्बार एक ट्रैफिक समस्या लगुच जो कि बहुत जनसाधारण से ट्रैफिक समस्या शिकार होती। ट्रैफिक समस्या आज दीर्घ दिन था। विगत दिन में आपजोगे आपने जानते आम मैंने ठिया जो प्रशासन को विषय अवगत कराइलु। प्रशासन उद्बोध कर ट्रैफिक पुलिस देता, किंतु यही कोविड समय भितर कौन अनुभव कला प्रशासन जे एटारो ट्रैफिक पुलिस हटाई आम जापर। पुलिस प्रशासन तरफ जो ट्रैफिक दि जाता हटाई नि गुआपाड़ा छके हटाई नि बहुत समस्या हो। प्रशासन को दाबी करूँ आम बजार तरफ जे ट्रैफिक दि जाऊ जो गाड़ी दी साइड्रे रखुंत हटेकरी लोक आसापा सुरक्षा करूँ। सालेपुर बजार पर मुख्य प्रशासन नजर पड़े तो हम तो ट्रैफिक समस्या दूर हो पारता। एबे देखा बाकी रहा केबे प्रशासन नजर पड़ुची यही सालेपुर बजार उपर। कटक जिला सालेपुर सुभाषिष बसंत राय, कलिंग टीवी। श्रीहीन हो पड़ी उमरकोटर बिजु पट्टनायक स्टेडियम। भित्तिभूमि अभावरु नियमित अभ्यासरु वंचित राज्य स्तरीय खेलाड़ी संध्या ले जमुछि असामाजिक लोकंक खटी। स्टेडियमर सुरक्षा उन्नतीकरण पई साधारण रे दाबी होइछि। अवहेलित स्टाडियम रक्षणाबेक्षण अभाव नष्ट होबाको बसिलाणी। नवरंगपुर जिला उमरकोट सहरर बिजू पट्टनायक स्टाडियम 2013 रे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उद्घाटन करथिले। किछि वर्ष हेला स्टाडियम रे जगवाली नथिबारु कबाट झरका सबु भांगी गलाणी। गायगोरु चोरीबा सह किछि असामाजिक लोकंक आड्डा स्थली पालटिछि। जेते प्रकार आम आंतर्जातीय टूर्नामेंट करूचु क्रिकेट रे, फुटबॉल रे, एथलेटिक्स रे, बहुत बाहर स्टेट रु आसिकी पिलाने खेलुचंती, किंतु से सबू व्यवस्था आम निजे हाथरू करूचु, कलेक्शन करी करूचु, किंतु सरकार तरफ रु कि म्युनिसिपालिटी उमरकोट तरफ रु कि डीएसओ तरफ रु कौन प्रकार सहायता आमको जोगे दि जाए ना। पानी रो सुविधा अच्छी ना, टॉयलेट रो अच्छी, रूम रो कबाट सब भांगी, से सबू खाली जो माने खराब काम करती संध्या से ही सब कम ही स्टाडियम टा है। म्युनिसिपालिटी को आम मझे मध्य बॉल बैडमिंटन एसोसिएशन तरफ गोथर जामें सार को देखा कर से प्रतिश्रुति देते एवं आमको केयरटेकर हिसाब से गोथर आमको चिठी करते, किंतु एबे जो बिल्डिंग अवस्था अच्छी तार जदि सामान ठीक ठाक करहब आगामी दिन में खेला से भल खेली पारे। आम प्रतिदिन ग्रुपिंग होना मॉर्निंग वॉक जाऊँ मिनी स्टेडियम को, आउ बहुत असुविधार सम्मुखीन आम हो, मतलब सीटा बहुत मतलब अवहेलित अवस्था पड़े। माने राति से मद फद पीना पाने सब काच भांगी पकई दौरान सका 5:30 गोला जो अंधार दूसरी बहुत पाने इंजुर्ड होती। प्रशासन ये दृष्टि देव ताल बहुत भल होता। प्रतिदिन स्टाडियम को लोक प्रातः भ्रमण और व्यायाम करने को आसी था। यह राज्यस्तरीय खेला भी प्राक्टिस आसती। तेणु स्टाडियम रक्षणाबेक्षण करने को सहरवासी दाबी करिसेंती। सेपटे जिला क्रीड़ा अधिकारी को जणाई शीघ्र उन्नतीकरण कराजिबो बोली कहिसेंती उमरकोट पौर कार्यनिर्वाही अधिकारी। फंड्स जो अच्छी आम एक्शन प्लान रे ताकु रखीचु, आबे जो भांगी जाइछि सेटा गुडा मध्ये आम रिपेयर करिया पई आमर से एक्शन प्लान रही, प्लस आम जगवाली प्रोवाइड कर जो काउंसिल अच्छी आम से जहाँ कि फंड्स हे से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी थ्रु मिसिकी आम जहाँ भी ए सब सुविधा हे। स्टाडियम रक्षणाबेक्षण करागले क्रीड़ाविद स्थानीय बासिंदा को अनेक सुविधा मिल। उमरकोटरू अनुराग पटनायक रिपोर्ट, कलिंगा टीवी। अदरकारी प्लास्टिक रु तयारी होछि सुंदर सुंदर सामग्री। गजपति जिला काशीनगर एनएसी रो स्वच्छ साथी विभिन्न सामग्री तयारी करूछन्ति। प्लास्टिक को एणेतेणे न फिंगी व्यवहार उपयोगी करूछन्ति। व्यवहृत प्लास्टिक रु तयारी होछि सुंदर सुंदर सामग्री। फुलदानी, पेन स्टैंड, झुमर भली विभिन्न सामग्री तैयारी करुछन्ति एनएससी रो स्वच्छ साथी। गजपति जिला काशीनगर एनएससी कार्यालय रो 6 स्वच्छ साथी और 2 स्वच्छ साथी सुपरवाइजर खाली समय रे एसबु प्रस्तुत करुछन्ति। एनएससी कार्यनिर्वाही अधिकारी और गोष्ठी संगठिका संपूर्ण सहायता जोगाई देउछन्ति। सब घर आसछि माने वेस्ट कलेक्शन जोड़ा प्लास्टिक जिनस आसछि सेटारे हमें माने बोतल आसछि आउ और डिस्पोजल ग्लासेस आसछि आ से बोतल रे हम काटिकी फ्लावर वाइज करछु आ डिस्पोजल ग्लास रे सेटा को कलर देकी पेंट करके डेकोरेट करके आम झुमर तैयार करछु। 3 दिन ट्रेनिंग नेथिलु आ हमरो काम देखिकी सखाळो काम हल्ला परे हमें संध्या के भी जाउछु और लीजर टाइम रे आसी के हमें ये काम जाक करछु। एगुड़ी को आम सब मिसी स्वच्छ सुपरवाइजर स्वच्छ साथी मिसी आम सब जाक ही एकाठी आगुड़ी को आम यूटिलाइज करूँ बोल कि आम व्यवहृत करने प्लास्टिक बोतल फपड़ा जा प्लास्टिक बोतल रे आम यूज करूँ। प्रत्येक कार्य करने से माने इंटरेस्ट आहरी कौन करवा अन्य कौन काच भितर कौन मिल जिनिस से विषय आम केमी करवा अन्य ये आमर स्वच्छात्री आइडिया अच्छी। आम माने आम काशीनगर सहर मध्य समस्त घर रू भी प्लास्टिक केमती रियूज करेंगे, प्लास्टिक रियूज करके केमती प्लास्टिक रियूज जिनस घरे व्यवहार करेंगे से प्रति आम सब काम कर। अदरकारी प्लास्टिक रु आकर्षणीय सामग्री तैयारी होछि, फलरे परिवेश उपरे प्लास्टिक रो कुप्रभाव पड़िबनी। स्वच्छ साथी द्वारा अदरकारी प्लास्टिक को व्यवहार उपयोगी काशीनगर एनएससी कार्यनिर्वाही अधिकारी फुल गछ लगेबारू आम केमती प्लास्टिक बटल जानी फुल गछ आम लगेचु आम ऑफिस बाहर भी अच्छे तो सही स्टार्ट करूँ तापर जो यही धीरे धीरे आम चाहिए कि आमर जमी पॉलीथिन रेड है कि पॉलीथिन जो प्लास्टिक ग्लास है सेगुड़ा रेड कराला तो से गुड़ाक आम केमती यूज करके यूटिलाइज करके आम खाली न रखिकी से गुड़ाक आम केमती सजा पर्पस रे यूज करूँ ताकि ऑफिस हो कि घर हो ताकि लोक आसिले जानीपर कि आम प्लास्टिक न फोपाड़ी आम केमती यूटिलाइज कर व्यवहृत प्लास्टिक रु व्यवहार उपयोगी सामग्री तैयारी करबा पई एनएससी कर्मचारी अन्य महिला प्रशिक्षण देबा पई लक्ष्य रखा जायछि। गजपति रु संतोष कुमार पटनायक रिपोर्ट कलिंग टीवी। जमीन पाइले कॉमेडियन भारती सिंह और तंका स्वामी हर्ष लिंबाचिया मुंबई रो नार्को ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कोर्ट उभय को शर्तमूलक जमीन देछंती। 15,000 टंकार व्यक्तिगत मुचालिकार उभय जेलू मुकुलिबे। घर 86 ग्राम गंजे मिलवा पर गतकाली उभय को नार्को ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस एक्ट रे एनसीबी गिरफ करबा परे जेल को पठाइथिला। जने ड्रग्स पेडलर को जेरा बेले से भारती को ना कहिथिले ड्रग्स लिंक रे दीपिका पदुकोण अभिनेता अर्जुन रामपाल और तांका गर्लफ्रेंड गाब्रिएला को समेत ए पर्यंत अनेक अभिनेता अभिनेत्री को जेरा सरिलाणी। बुलेटिन को एट रखिबा अधिक अपडेट पई आपण हम सोशल मीडिया साइट को जे देखि परिबे www.kalingatv.com एवं कलिंगा टीवी रो ट्विटर यूट्यूब और फेसबुक सह आपण माने अपडेट रह परिबे। नमस्कार। एटा कोण एटा गुड नाइट गोल्ड फ्लैश फ्लैश मोड रे फ्लैश वेपर्स पुलिस परी कोण कोण रे पसी लुचिथिबा डाकू मसामानन को खोजी धपक धपक भारत और उच्च शक्तिशाली लिक्विड वेपराइजर गुड नाइट गोल्ड फ्लैश। बहुत दिनोर साथी आमी मीठा मीठा सब किछि जेबे चखो He